अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का सबक एजुकेशन के ऊपर। जब मैं टीनेजर्स की क्लासेस लेता हूँ कहीं पे भी, तो मैं एक सवाल उनसे पूछता हूँ कि आप स्कूल क्यों जाते हो, आप पढ़ाई क्यों करते हो, और जवाब हमेशा अलग अलग किस्म के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बच्चा अलग अलग स्कूल एज में अलग अलग जवाब देता है। मिसाल के तौर पे, जब कोई बच्चा नर्सरी में जाता है या केजी में जाता है और आप उसे पूछेंगे, बेटा तू स्कूल में क्यों जाता है, तो कहते हैं मम्मी मुझे छोड़ के आती है इसलिए। यानी उसके स्कूल जाने का मकसद ये है कि मम्मी उसे छोड़ के आती है इसलिए वो स्कूल जाता है। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 4-5 साल के बाद, अब जो स्कूल में मज़ा आता है, टीचर भी अच्छी है, फ्रेंड सर्कल है, आप उसे पूछिए स्कूल क्यों जाते हो, तो कहेगा कि फ्रेंड्स हैं, स्कूल अच्छी है, टीचरें अच्छी है। फिर आगे चलकर 4-5 साल के बाद जब स्कूल ख़त्म होने वाली है, उस वक्त उसे पूछेंगे स्कूल क्यों जाते हो, तो कहता है पढ़ लिख कर मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो उसे पूछे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो जवाब देगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यानी अपने एम्बिशन की बात करेगा। देखिए बच्चा एक ही है, और वो बच्चा शायद आप भी हो सकते हो, अलग अलग उम्र में अलग अलग जवाब है। अब उसे पूछिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो जवाब नहीं होगा। अब होता क्या है कि जब हम पूछते हैं कि भई आप एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं, तो आपके जहन में इसका जवाब शायद बराबर नहीं आएगा। 10 साल स्कूल में क्या आपको टीचर ने कभी बताया कि आप एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हो, मकसद क्या है? इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, एलजिब्रा, ज्योमेट्री, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, भाई क्या मकसद है? यहाँ तक कि 12 साल तक हम पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं। आपको डॉक्टर बनना है लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको साइंटिस्ट बनना है लेकिन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो लोगों को पता ही नहीं होता है एजुकेशन का मकसद। और यहाँ तक कि ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तो पूछते भाई आपने पढ़ाई क्यों की, तो कहेगा कि अच्छी जॉब मिले, नौकरी अच्छी मिले, तनख्वाह अच्छी मिले, इसलिए हमने पढ़ाई की। देखिए जवाब फिर बदल गया, मालूम ये हुआ कि कोई फिक्स मकसद नहीं है। एक छोटा सा क्लास था, मैंने बच्चों से पूछा व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आपको क्या बनना है? एक लड़के ने हाथ उठाकर कहा मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छी बात है। तो मैंने क्लास में पूछा किन किन लोगों को डॉक्टर बनना है, तो तकरीबन आधी क्लास ने हाथ उठाया। अच्छा, मैंने कहा उसी बच्चे से आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो? अब वो 13-14 साल का बच्चा है, अब उसे क्या पता डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं, तो सर खुजाने लगा, हंसने लगा, बताओ डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो, तो कहते हैं मैं सबकी जान बचाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तो आप फायर ब्रिगेड में ज्वाइन हो सकते हो, आग लगती है वहाँ चले जाओ और लोगों की जान बचाओ। लोगों की जान बचाने के तरीके तो बहुत है, और आप डॉक्टर बनेंगे तो आमतौर पर डॉक्टर्स सर्दी और खांसी की दवाइयाँ देते हैं। जान बचाने वाले जो डॉक्टर होते बहुत कम होते हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बाकी सब तो दांत के डॉक्टर और सर्दी खांसी के डॉक्टर। मकसद क्या डॉक्टर बनने का? क्लास खामोश, जवाब नहीं दे पा रहे। एक ट्रेंड चलता है, ट्रेंड, बस लोग उसी ट्रेंड के मुताबिक अपना करियर पसंद करते हैं। मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अब्बा का ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूँ, ठीक है। एक लड़का कहता है कि मेरे अब्बा भी डॉक्टर हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके बाद मैं उनका दवाखाना चलाऊं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक लड़का कहता है कि मेरे अब्बा को डॉक्टर बनना था लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाए, वो ख्वाब मैं पूरा करना चाहता हूं। यानी माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा ख्वाब पूरा करें। ये देखिए अलग अलग मकसद दिखा रहे हैं लोग एजुकेशन का। बच्चा शायद मैथ्स में होशियार होता लेकिन आप उसे डॉक्टर बना रहे हैं। यानी लोगों को पता नहीं कि हमारा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में होशियार है। और आप स्टूडेंट्स भी, जब तक कि आप 12th शेड्यूल ख़त्म नहीं करते, आपको भी एहसास नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट में आप मास्टरी हासिल कर रहे हैं। तो एजुकेशन का मकसद क्या है फिर? आपको पता है एक चीज़ जो दुनिया के हर स्कूल में सिखाई जाती है, हर क्लासेस में, और वो है गिव रीजंस। ज्योग्राफी में गिव रीजंस, हिस्ट्री में गिव रीजंस, साइंस में, मैथ्स में भी गिव रीजंस। आप वजह बताइए, गिव रीजंस। और हम 10-12 साल स्कूल लाइफ में गिव रीजंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जवाब देते हैं, वजह की तलाश करते हैं।
और फर्स्ट रैंक आते हैं, ए ग्रेड्स लाते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ के अंदर हम गिव रीजंस का जो स्किल्स है, जो टैलेंट्स है, जो हमने 12 साल तक सीखा है स्कूल में, वो अप्लाई नहीं करते हैं। और सबसे पहले तो हम इसी पर अप्लाई नहीं करते कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं, गिव रीजंस सोच के देखिएगा। क्योंकि हम लोग जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं, पता है आपको, 2 साल 3 साल का बच्चा भी स्कूल में जाने लगा आजकल, क्योंकि ट्रेंड हो चुका है। और अगर आप देखो तो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, ये पहले से ही ठान लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, लेकिन इनको वजह पता नहीं होती कि क्यों बनना है। बस एक उस करियर के अंदर इनको ठंडक महसूस होती है, यानी कुछ लोग डॉक्टर्स देखते हैं तो सोचते हैं हम भी डॉक्टर्स बनना पसंद करेंगे, यानी वो डॉक्टर स्टेटोस्कोप लगाता है, कोट पहनता है और बैग लेके चलता है, लोग डॉक्टर साहब कहते हैं। हमारे ज़माने में मेडिकल डॉक्टरी में एडमिशन हो जाना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, यानी बहुत कम लोगों को मेडिकल साइंस में एडमिशन मिलता था। अब होता क्या था कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर तकरीबन सारे के सारे बच्चे इस बात की कोशिश करते थे कि वो साइंस मैथ्स में अच्छे मार्क्स लावे और कैसे भी करके 2 साल में उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन मेडिकल के सीट्स बहुत कम होती है और आज भी बहुत कम है। ढेर सारे बच्चे 2 या 4 मार्क्स के लिए मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चूक जाते हैं, एडमिशन नहीं मिलता उनको। अब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, 10-12 साल मेहनत की और ख़ास करके पिछले 4 साल तो एड़ी चोटी का जोर लगाया, 2-4 मार्क्स के लिए हम मेडिकल साइंस में एडमिशन नहीं ले पाए। अब ये फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी भर रहता है, इसलिए कि इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। अब ये मोस्टली बीएससी करते हैं, मैं भी बीएससी में था। हमारे एक प्रोफेसर ने क्लास को आकर पूछा कि मैं अगर दावा करूं कि पूरी कॉलेज में ये सबसे फ्रस्ट्रेटेड क्लास है तो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा? यानी ये वो क्लास थी कि 12th स्टैंडर्ड के बाद जिन लोगों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला वो बच्चे यहाँ पे थे। सभी बच्चे ने कहा सर वी अग्री विद यू, इट्स ए क्लास ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्यों हो गया? अगर 2 मार्क्स के लिए आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस में एडमिशन नहीं मिलता है तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? क्या आप भिखारी हो जाएंगे या आप गरीबी में ज़िंदगी गुजारोगे? एम्बिशन के पीछे जो हम अंधी दौड़ लगाते हैं, ये एजुकेशन का मकसद कभी नहीं है। परसेंटेज ग्रेड्स, मेरा बच्चा कैसे भी करके स्कूल में फर्स्ट आए, मेरा बच्चा कैसे भी करके डॉक्टर बन जाए, बस यही अंधी दौड़ हम लगाते हैं। जब मैं स्कूल में था ना, प्राइवेट ट्यूशंस, जानते हो कौन लेता था? वो बच्चा जो क्लास में डफर होता था, यानी पढ़ने में बैकवर्ड होता था, उसके समझ में नहीं आता टीचर क्या पढ़ा रही है। कुछ बच्चे होते हैं लेट लर्नर्स, तो उनके लिए ट्यूशंस रखे जाते थे, प्राइवेट ट्यूशंस, कि टीचर आकर उसको सिखाती थी और कैसे भी करके वो बच्चा पास हो जाता था। अब ट्रेंड मैं देखता हूँ और आप भी देखते हैं कि ऐसा हो गया कि अगर आप ब्रिलियंट है तो आप प्राइवेट ट्यूशन लो। क्यों? कि प्राइवेट ट्रेनर की मदद से आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिल हो सकते हैं प्राइवेट ट्यूशन की मदद से। और क्या फीस के दाम लग गए हैं, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया एक सब्जेक्ट का चंद दिनों में पढ़ाने का, और वही चीज़ वही टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं तो उससे 250-300 रुपये की फ़ीस लेकर। यानी स्कूल में जो एजुकेशन सस्ता मिलता है उस पर हम तवज्जो देते नहीं हैं और बाहर उसी चीज़ को हम महंगी खरीदते हैं। बगैर मकसद का एजुकेशन इसी नतीजे तक सोसाइटी को पहुंचा देती है। आमतौर पे मैं बच्चों से कहता हूं कि जब तुम कॉलेज में जाते हो उस वक्त तुम देखो कि तुम किस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारे ज़माने में क्या होता था कि अगर आप पढ़ने में डफर है, आपका 35 ग्रेड आया, 35 मार्क्स, यानी जस्ट पास, तो आप आर्ट्स में जाइए। आर्ट्स में क्यों? साइंस में तो आपका कोई चांस नहीं, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। कॉमर्स तो बिजनेसमैन के लिए, आप क्या करोगे? तो आर्ट्स में जो लोग होते थे वो डफर में से डफर माने जाते थे। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, आर्ट्स के अंदर भी लोग कमाल करते हैं, एडिटर्स बनते हैं, न्यूज़ एंकर्स बनते हैं, राइटर्स बनते हैं, बेस्ट सेलर्स बनते हैं। यानी मेडिकल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग से ज़्यादा कमाने वाली फील्ड आर्ट्स के अंदर भी आज आ चुकी है। बे इंतहा करियर्स आज आपको आर्ट्स में भी मिलते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आप चले जाइए, आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। एक सेमिनार में मैं था, हमारे मेहमान भी थे, मैं भी था लेक्चर में। वो साहब कहते हैं कि हमारी बेटी 97 लेकर आई मैथ्स में, तो मेरी बेटी के साथ मैंने 3 दिन तक बात नहीं की। बेटी पूछे क्यों? तो कहती बेटा आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, तुम 3 मार्क्स कम लेकर क्यों आए, 100 में से 100 लेकर क्यों नहीं आए। इस तरह का प्रेशर आज हमारे स्टूडेंट्स से होता है।
और इस हाल में परफॉर्म करना बड़ा भारी होता है और कभी कभी बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। मुझे पता नहीं कि आप जो मेरा ऑडियंस है एजुकेशन का क्रेज इनमें कितना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनरल ट्रेंड है। जब मैं स्कूल में था तब जानते हो लोग क्यों डॉक्टर बनना चाहते थे? इस वादे के साथ कि आप हंसोगे, बेटा अगर डॉक्टर बनेगा ना तो खूबसूरत लड़की शादी करने के लिए राजी होगी, या कभी कभी बेटा अगर डॉक्टर बनोगे ना तो लोग तुम्हें डॉक्टर साहब कहेंगे। ये वजह थी लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए, नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट है या मेडिकल साइंस में अच्छा समझ में आ रहा है उसको, इसलिए नहीं बनाते थे लोग, इसलिए बनाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर है लड़का, हमारा बेटा डॉक्टर है, बताइए आप कितना दहेज देंगे, यानी मेडिकल फील्ड भी एक दुकान बन चुकी, बताइए कितना दहेज देंगे, हमारा बेटा डॉक्टर है। और अगर वो बेटा उस जमाने में पढ़ लिख कर अगर अमेरिका चला गया फर्दर स्टडीज के लिए, तो उसके माँ बाप अखबार में इश्तेहार देते थे, एडवर्टाइजमेंट देते थे, एक लड़की चाहिए हमारे बेटे के लिए, डॉक्टर है, गोरी लड़की, पतली लड़की, खूबसूरत लड़की, लंबी लड़की, इस तरह से वो डेफिनेशन देते थे कि हमारी लड़के को कैसी लड़की चाहिए। हालांकि लड़का कैसा था पता नहीं, अभी जरूरी थोड़ी कि मेडिकल डॉक्टर हैंडसम ही हो और अमेरिका में जाने वाला हर शख्स स्मार्ट होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर है, अमेरिका रिटर्न्ड है, यानी उस जमाने में अमेरिका रिटर्न्ड ये बहुत बड़ा टाइटल होता था, अमेरिका रिटर्न्ड। आज के जमाने में अमेरिका रिटर्न्ड, नौकरी छूट गई, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन, तो बेचारा अमेरिका में टिकता नहीं है। तो आज अगर कोई अमेरिका से आता है तो लड़कियां देते नहीं है लोग। तो पता चला कि उस वक्त ऐसा क्रेज था कि अमेरिका रिटर्न हो जाएगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इसलिए। तो वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। एक छोटा सा ट्रेंड मैंने आपके सामने पिछले एक सबक में, अगर आपको याद है, तो मैंने बयान किया था, मैंने कहा था कि एक दफ़ा एक स्कूल के अंदर सर्वे हुआ कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम फेमस होना चाहते हैं, हम रिच होना चाहते हैं। एक छोटा सा सर्वे मैंने पढ़ा था इंडिया के किसी मैगजीन में, लड़कियों का सर्वे हुआ था कि क्या आप अब भी डॉक्टर्स और इंजीनियर से शादी करना पसंद करोगे। तो अक्सर लड़कियां जवाब देती, अगर वो हैंडसम होगा तो हम डॉक्टर या इंजीनियर से शादी करना चाहेंगे। पूछा क्यों? कि आम तौर पे तो डॉक्टर बनते बनते आधे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कभी कभी तोन बाहर आ जाती है, चश्मे वाले हो जाते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, तो वो खूबसूरती चली जाती है। बट वी वॉन्ट स्मार्ट बॉयज। तो अब ट्रेंड फिर चेंज हो गया, सिर्फ डॉक्टर होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ मैनेजर होना काफ़ी नहीं है, इंजीनियर होना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। इसीलिए जिम में आप चले जाइए, आपको वहाँ भीड़ ज़्यादा नजर आती है। जब मैं आपकी उम्र का था तभी जिमनाशियम्स बहुत कम थे, 2 या 4 हमारे सबब में, यानी 5-6 लाख का पॉपुलेशन हो तो 1 या 2 जिमनाशियम्स होते थे। आज हर 15-20 हज़ार के पॉपुलेशन पे एक जिमनाशियम है और भीड़ लगी हुई है। आप क्या करते हो? मैं मेडिकल साइंस में पढ़ता हूँ और बॉडी बनाता है। आप क्या करते हो? मैं डॉक्टर हूँ और बॉडी बनाता है, यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सभी लोग आजकल हैंडसम बनने की रेस में लगे हुए हैं, तलाश में कि हम कैसे करके हैंडसम बन जाए। और ये हैंडसम बनते बनते जो है डॉक्टर भी बनते, इंजीनियर भी बनते। क्यों? कि इन्हें पता है कि ट्रेंड क्या मार्केट में। तो खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने के लिए भी लोग कोई पर्टिकुलर करियर चूज करते हैं। और हर जमाने में इस तरह से जैसे जैसे फैशन बदलती है वैसे वैसे एजुकेशन के ट्रेंड्स चेंज होते जाते हैं। अब तो MBA, और MBA में भी ऐसा है कि अगर आपने फलाने कॉलेज से MBA किया तो आपकी इब्तदा स्टार्टिंग सैलरी 50,000, 75,000, 1 लाख पर मंथ 1 महीने में। वाह, ओहो, तो हम MBA बनेंगे। अरे डॉक्टर बनने के क्या फ़ायदा, आजकल तो मेडिकल डॉक्टर्स MBBS को 25,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। करेक्ट। तो अब आ गई नई फील्ड MBA, सबको MBA करना है। अब हुई क्या, इतनी भीड़ हो गई MBA में, प्राइवेट कॉलेजेस भी MBS की बनने लगी, हर आदमी MBA करने लगता है। तो MBA बनते बनते वो पढ़ लिख कर MBA हो गया, लेकिन बिजनेस के अंदर जो कलाकारी प्रैक्टिकल लाइफ की आनी चाहिए वो तो उसको नहीं आती बेचारे को। और लोगों ने ऐसे MBA को नौकरियां देना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने। और बाद में पता चला इनको तो कुछ नहीं आता है, इनके MBA के कोर्स में अगर कोई म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर आएगा या ट्रेड यूनियन का कोई प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व कैसा करना, कोई चैप्टर ही नहीं है। चेकबुक पे साइन कैसे करने का, लिखने का क्या, इसको तो आता ही नहीं है। टेबल कैसे रखने का और टेबल के पे किताबें कैसे रखने की, इसको तो पता ही नहीं है। ये तो बस कोट पैंट पहन के आ जाता है, मैं MBA हूँ। तो क्या हो गया, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके सीनियर्स को मैं पहचानता था, इन्होंने अपने रिटायर्ड
स्टाफ को वापस बुलाना शुरू किया। 65 साल की उम्र में एक शख्स को वापस बुलाया, आप मैनेजर आ जाइए मार्केटिंग में, क्यों? ये MBAs को बराबर नहीं आ रहा है। अंडर प्रेशर ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिंदगी की जो हकीकत का एजुकेशन है वो आपको रियल लाइफ में मिलता है। आपकी डिग्री कोई भी रहेगी, अगर आप डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे और अपडेट्स मेडिकल साइंस का पढ़ते नहीं रहोगे, इंजीनियर बनने के बाद आप इस तरह की तालीमें हासिल नहीं करोगे, तो आप बहुत जल्द आउटडेटेड हो जाएंगे। तो एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होता डिग्री आने के बाद। एजुकेशन आपको रीजनिंग सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है। उसके बाद जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, आपका रियल एजुकेशन शुरू होता है। उस वक्त जिंदगी आपको सिखाती है, एक नया एजुकेशन का चैप्टर शुरू होता है, और वो है प्रैक्टिकल लाइफ के क्राइसिस अटेंड करना। आप MBA हैं, आपको एग्जीक्यूटिव या मैनेजर की नौकरी मिल गई, पहले ही दिन आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं स्टाफ का नाम क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, ये सब तो आपको सिखाया नहीं गया। आपको तो बस व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज सेल्स ये सब होती है। इसीलिए आप देखोगे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना एक बजट रखती है, अपने स्टाफ के नॉलेज और स्किल्स टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल कोर्सेज रखती हैं, सीनियर्स को बुलाते हैं, सेल्स मैनेजरों को, सेल्स ट्रेनर्स को, बिजनेस मैनेजमेंट में जो तजुर्बा रखता है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती आती है, हजारों लाखों डॉलर इनकी फीस होती है, और ये MBAs को सिखाते हैं वो चीज़ें जो ये कॉलेज में मिस कर गए। इतनी सारी फीस भरने के बाद आप तो जानते हो MBA की फीस कितनी है, 2 लाख 3 लाख, जैसी सैलरी मिलने के वादे उसके मुताबिक फीस होती है। उसी तरह हमारी मेडिकल कॉलेज भी आ गई, प्राइवेट कॉलेजेस। आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आप हमारी कॉलेज में आ जाइए, यहाँ आप मेडिकल स्टडीज हासिल कीजिए। हालांकि मेडिकल स्टडीज ब्रिलियंट लोगों के लिए, क्यों? किसी की जान का सवाल है ना। आप 50-60 मार्क्स लेकर आएंगे और सोचेंगे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन क्या आप किसी की जान के साथ खेल नहीं रहे हैं? यू डोंट डिजर्व टू बी ए डॉक्टर, यू डोंट डिजर्व। लेकिन आपके अब्बा के पास 25 लाख रुपीज हैं, 26 लाख रुपये हैं, इसीलिए आप डॉक्टर बन सकते हो। और वो बच्चा जो ब्रिलियंट था, चंद मार्क्स के लिए उसने मेडिकल की एडमिशन मिस कर दी, क्या उसका हक नहीं था डॉक्टर बनने का? उसका भी हक था, बल्कि ज़्यादा हक था। तो आज एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है, आज एजुकेशन एक मार्केटिंग गिमिक बन चुका है, एक व्यापार बन चुका है, और लोगों ने उसके ज़रिए फ़ायदे हासिल करने शुरू कर दिए। एक लड़के की शादी होने वाली थी, और क्योंकि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर 25-30 लाख रुपया खर्चा करके डॉक्टर बना था, तो उसकी माँ ने पहले ही दिन कह दिया शादी की, जब बातचीत चल रही थी लड़की वालों से, कि हम तो दहेज लेंगे भाई, इसलिए कि हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने में हमको 25 लाख रुपया खर्च हुआ है। एक ट्रेंड चलता है। तो जब समाज में एजुकेशन, मेडिकल थिंग्स, ये सब चीज़ों का बोलबाला मार्केटिंग के नज़रों से हो जाता है, इंडस्ट्री और पैसे के नज़रों से हो जाता है, तो वो समाज में एजुकेशन फील्ड, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, इनमें बेकारी आती है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे समाज में अलग अलग किस्म के मॉरल बिगाड़ भी पाओगे। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, मैं कोई नई आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम इस सबक को रिवाइज कर रहे हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें होती है, उसकी वजह यह है कि समाज में एजुकेशन का पर्पस हट चुका है, बल्कि था ही नहीं। मैं भी जब आपकी उम्र का था तो मैं भी सोचा करता था मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, लेकिन मैथ्स और ज्योमेट्री में मैं बहुत पुअर था, मुझे कभी भी एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन फलाने सिविल इंजीनियर है, ढिमके सिविल इंजीनियर है, उस सिविल इंजीनियर के पास गाड़ी है, ये सब बातें हम दोस्तों में करते थे, तो हमको शौक आता था कि हम भी सिविल इंजीनियर बने। बाद में आगे चलकर पता चला मैं साइंस में फेल हो गया। अब साइंस में फेल होने के बाद क्या करूं? करियर ही नहीं मेरे पास, क्या अब्बा के कारोबार पे चला जाऊं? पैसा चाहिए कारोबार करने के लिए, अब्बा के पास तो कारोबार का पैसा भी नहीं है, अब क्या करेंगे? तो लाखों करोड़ों बच्चे दुनिया के, खास करके हिंदुस्तान के लाखों बच्चे इसी तरह से कश्मकश में फंसे हुए रहते हैं कि हम करियर कैसे चूज करें। आपको देखना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर होशियार हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, अंग्रेजी, आपको जिस सब्जेक्ट के अंदर तड़प है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पर फौरन समझ में आ जाता है, जिस सब्जेक्ट की तालीम हासिल करने में आपको ज़रा भी कंटाल नहीं आता, मेहनत करने में मज़ा आता है, उन सब्जेक्ट के अंदर ही आपको करियर चूज करना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू चूज़ ए करियर। करियर कभी भी ऐसा चूज मत करो कि जब मैं 5 साल के बाद डिग्री हासिल कर दूंगा तो मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी। हो सकता है तब तक इतनी सारी भीड़ हो जावे उस स्ट्रीम के अंदर कि तनख्वाह आधे से भी कम हो जाएगी, तनख्वाह आधे से भी कम हो सकती है।
जब तक आप पहुंचे वहां पे तब तक भीड़ बहुत हो गई होगी। इसीलिए हम कहेंगे कि जब आप करियर चूज करो तो ये देखो कि आपकी महारत, आपके स्किल्स किस में। उसके बाद कोई सीनियर आदमी हो, आपके चाचा, आपके मामू या कोई प्रोफेसर, आप उनके पास जाकर मशवरा करो कि सर मेरे ये सब्जेक्ट्स में महारत हासिल है, इसमें मुझे कौन सी फील्ड में गुंजाइश है, मेरे फिजिक्स अच्छा है तो मैं क्या क्या बन सकता हूँ, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत शौक है तो मेरे लिए क्या क्या कोर्सेज है, उसमें से आप देखिए आपके लिए कौन सा कोर्स मुफीद है, कौन से कोर्स में आपको लगता है कि दिलचस्पी आ रही है। आप शोहरत मत देखिए कि मैं सुपरस्टार कैसे बन जाऊं। करियर सुपरस्टार बनाने के लिए नहीं होता है, करियर होता है हलाल की रोजी कमाने के लिए। और इसी दुआ के साथ ये सबक यहाँ ख़त्म होता है कि अल्लाह ताला हमें अकल दे और हम सही तौर पे अपने करियर चूज़ करें। अगले क्लास में, अगले सबक में इंशाल्लाह और भी मज़ेदार बातें करेंगे। इल्म के एतबार से कहना सुनना जारी रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।